फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक देश, कई राज्य, कई जिले और अनगिनत गांव, हर जगह की अपनी एक विशेषता है जो अपनी ओर हमें खींचती है। वैसे ही हमारे भारत के तमिलनाडु में एक ऐसा गांव है जहां जूते चप्पल पहनने पर पाबंदी है। अगर यहां किसी के पैर में जूता या चप्पल नजर आ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। मित्रों, भारत में आमतौर पर घर के अंदर लोग चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। घर के अंदर लक्ष्मी का निवास मानते हुए चप्पल और जूते को घर के बाहर ही उतार देते हैं। इसके अलावा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के अंदर भी जूते और चप्पलों पर पाबंदी लगा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी एक ऐसा गांव है जहां लोग घर के बाहर भी नंगे पांव रहते हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के तमिलनाडु में मौजूद अंडमान की। ये गाँव राज्य की राजधानी चेन्नई से करीब 450 किलोमीटर दूर है। यहाँ लगभग 130 परिवार रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर परिवार किसान हैं। ये गांव में ही खेती कर अपना गुजारा करते हैं। गांव में प्रवेश करने पर ही एक बड़ा सा पेड़ है जहां कई लोग पूजा करते हैं। बस इसी जगह से अंदर प्रवेश करते हुए लोगों को अपने पैर से जूते और चप्पल निकाल लेने पड़ते हैं। ऐसा करने के पीछे गाँव वालों की धार्मिक मान्यता है। मित्रों, जिस तरह से भारत में कई लोग घर के अंदर चप्पल जूते नहीं पहनते क्योंकि वो घर को लक्ष्मी का वास मानते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव में लोग सीमा शुरू होते ही जमीन को भगवान का घर मानते हैं। चाहे कितनी भी तपती धूप हो या कोई भी सड़क पर पैरों में जूते चप्पल डाले नजर नहीं आता। लोगों का मानना है कि अगर ऐसा किया तो भगवान रुक जाएंगे। अगर कोई बाहर से गांव के अंदर आता है तो पेड़ के बाद उसे अपने जूते उतारकर हाथ में पकड़ लेना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि उनका ये पूरा गांव ही मंदिर है। अगर कोई इस धार्मिक स्थल पर जूते पहनकर आएगा तो उसे भगवान ही सजा देंगे। उसे तेज बुखार आ जाएगा या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज नहीं है। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा करते नजर आता है तो उसे सजा दी जाती है। दोस्तों, इस परंपरा के शुरू होने के पीछे भी एक बड़ी ही अजीब कहानी है। निर्माण कंपनी चलाने वाले गांव के ही 62 साल के लक्ष्मण वीरभद्र के मुताबिक 70 साल पहले गांव वालों ने गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे देवी मुथिया लम्मा की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की थी। पुजारी जैसे ही देवी को गहने से सजाने लगे और पूजा में डूबने लगे, एक युवक अपने जूते पहनकर मूर्ति के पास से गुजर गया। वीरभद्र के मुताबिक उसी दिन वो शख्स फिसल के गिरा। शाम होते होते उसे बुखार से जकड़ा, जिसे महीनों बाद पीछा छूटा। दोस्तों, हालांकि उनके मुताबिक ये पता नहीं है कि ऐसा उससे गलती से हुआ और देवी के अपमान के चलते हुआ, पर इस घटना के बाद से ही इस गाँव में लोग नंगे पाँव रहने लगे। यहाँ रहने वाले 70 साल के मुखन अरुमुग्न ने बताया कि गांव में मौजूद जमीन के अंदर बने जलाशय के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनके गांव को दुनिया भर में मशहूर बनाने वाली इस कहानी ने जन्म दिया। उन्होंने बताया कि इसी जगह पर लोग गांव में दाखिल होने से पहले ही अपने जूते चप्पल उतार कर हाथ में ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग पर्स की तरह हाथों में टांग लेते हैं अपने जूते और चप्पल। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।